नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बहुत अच्छी प्रस्तुति में टुडे साउथ की। विजय देवरकोंडा जो है, ये इनकी एक हैबिट बन गई है अलग अलग किस्म की जो है हिट फिल्में देते रहने का। आपको वैसे विजय देवरकोंडा की जो है हाल फिलहाल की सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन सी फिल्म आई है, ये जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। जिस भी फिल्म को आपसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे पहले 10 दिनों के अंदर, मैं उस फिल्म को रिव्यू करने के बारे में पूरा प्रयत्न करूंगा। अब बताऊं, विजय देवरकोंडा जो है वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के तो मेरे ख्याल से इस समय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यंग स्टार्स में से हैं, और अर्जुन रेड्डी के बाद तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया उनका फेम बहुत ज्यादा फैल गया। और मैं बताऊं कि बाइलिंगुअल फिल्म के साथ उन्होंने जो है कॉलीवुड में डेब्यू किया था, फिल्म का नाम था नोटा, और आनंद शंकर ने इस प्रोजेक्ट को जो है हेल्म किया था। फिल्म को हालांकि बॉक्स ऑफिस पे उतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन विजय देवरकोंडा का जो परफॉर्मेंस था उसकी तारीफ हर एक व्यक्ति ने की। सुनने में आ रहा है अब कि विजय देवरकोंडा वापस आ रहे हैं एक मल्टीलिंगुअल फिल्म के साथ। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि न सिर्फ तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी बल्कि इसे कन्नड़ा और मलयालम में भी रिलीज करने का पूरा प्लान किया गया है। जी हाँ, इसका अर्थ यह है कि जो जितनी भी मेजर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और कन्नड़ा है, इन चारों भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज करने का पूरा पूरा कोशिश जारी है। चारों भाषाएं जो हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और कन्नड़ है, इन चारों भाषाओं में इसे रिलीज करने की पूरी कोशिश की जा रही है, किंतु ये फिल्म हिंदी में डब होकर के रिलीज नहीं होगी थिएटर्स में। अब ऑफिशियल कर दिया गया है कि विजय देवरकोंडा की ये जो बड़ी मल्टीलिंगुअल फिल्म बन रही है जिसका कि टाइटल रखा गया है हीरो, और इसमें जो है जो डायलॉग डिलीवरी का जहां तक सवाल उठता है वो बड़ी सॉलिड होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जो डेब्यू कर रहे हैं एज डायरेक्टर, आनंद अन्नामलाई, वो जो है डायलॉग राइटर थे कक्का मुथाई के। तो जब एक डायलॉग डिलीवरी को सशक्त डायलॉग डिलीवरी दिलवाने वाला व्यक्ति जो है फिल्म का डायरेक्टर बन जाएगा, तो मैं तो पूरी आशा कर रहा हूं कि भाई ये फिल्म इसमें डायलॉगबाजी कुछ थोड़ी अलग होगी, और हीरो भी है, हीरो की डायलॉगबाजी ऐसे भी साउथ में थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है। प्रोजेक्ट को बैंकरोल कर रहे हैं मैत्री मूवी मेकर्स, और ये सबसे एक अच्छी चीज क्या होती है कि इस तरह की जो फिल्में बनती हैं ये एक बार में ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है, ज्यादा पैसे रिटर्न लेने की इसके अंदर कुवत आ जाती है, क्योंकि कोई भी एक इंडस्ट्री इन इट्स ओन जो है उतने पैसे नहीं दे पाती है पैन इंडिया जब तक रिलीज होने की कोशिश ना करे फिल्म। हिंदी मेरे ख्याल से कुछ दिनों में स्टार्ट होगा और ज्यादा फिल्मों का हिंदी में आना। वैसे मैं एक चीज बताना भूल गया कि इस फिल्म की हीरोइन जो है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है, और एक्ट्रेस का नाम है मालविका मोहनन, जो आपको दिखाई भी दे रही है। ये हैं बहुत इंडिया के नामी गिरामी जो है सिनेमेटोग्राफर हैं, केयू मोहनन उनकी पुत्री हैं, और तमिल में इन्होंने जो है डेब्यू किया था वो भी ऐसा वैसा डेब्यू नहीं था, डेब्यू में साक्षात इनके साथ सुपरस्टार रजनीकांत थे, फिल्म का नाम था पेट्टा। और अब जो है आप देखेंगे कि इस फिल्म में क्या आनंद देती हैं वो आपको। मैं थोड़ी देर में लौटता हूं, तब मैं आपको और खबरें सुनाऊंगा, लेकिन इस समय विजय देवरकोंडा के हीरो के बारे में ये अपडेट है कि ये फिल्म चार भाषाओं में रिलीज करेगी, और इस फिल्म में पेट्टा की हीरोइन फिल्म में लीड करेंगी। मिलता हूं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद।